सो दोस्तों, लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, माल लोडिंग करके दोस्तों नासिक की तरफ जा रहे थे हम लोग। और भाई ये नासिक की डिंडोरी जहाँ कंपनी भाई उसी वहीं पे भाई पहुंचने वाले हैं। और सुबह का दोस्तों 7 बज रहा है अभी टाइम, तो दोस्तों देखते हैं कि आज माल लोडिंग अनलोडिंग हो जाएगी, तो उसके बाद देखेंगे दोस्तों क्या लोडिंग होता है क्या नहीं। तो वो लोग दोस्तों साथ बने रहेगा। और भाई ये खेतों का नज़ारा और हरियाली का दर्शन करते जाइए आप भाई, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। और भाई ये भाई देख लो, पूरा खेती खेती साइड में हुआ है। और भाई कंपनी से भी बहुत दूर है, मतलब मान लीजिए कि 30 से 40 किलोमीटर। और भाई ये रोड देखो, रोड बहुत ख़राब है दोस्तों कंडीशन, इसलिए भाई दोस्तों टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। तो देखते हैं भाई कब तक पहुंचते हैं वहाँ पे और क्या रहता है सीन। तो ब्लॉग से दोस्तों बने रहिएगा एंड तक। दोस्तों एक प्रॉब्लम दिक्कत नहीं थी, देखो कितना रास्ता ख़राब हो गया है, मतलब यही रास्ते से भाई एक भाई सिंगल रास्ता है, दो गाड़ी आ जाती है तो भाई बहुत मुश्किल से पास होती है इसमें, इसीलिए भाई थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा इसमें पार करने में। उसके बाद दोस्तों कुछ ही दूरी पर, ज़्यादा नहीं है, करीब 20 किलोमीटर शायद होगा भाई वो कंपनी। तो भाई कंपनी की तरफ मिलते हैं और भाई आप रास्तों का व्यू और नज़ारों का, खेतों भाई का व्यू भी आप देखिए दोस्तों, और इन्जॉय करते जाइए वीडियो के साथ, बने रहेगा। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. तो बस दोस्तों कंपनी के पास पहुंचने ही वाले हैं, आप देख सकते हो ये रास्ता। और भाई कंपनी देख सकते हो कि इसने में गाड़ियां सभी आके रुकी हुई है। और भाई रास्ता भी देख लो, सिंगल पूरा रास्ता है यहाँ पे। और भाई देखते हैं क्या होता है आगे। तो भाई वो कंपनी के पार्किंग में पहुंच गए और बहुत सारी गाड़ियाँ आप देख सकते हो यहाँ पे लुकी हुई है। यहाँ पे दोस्तों बहुत बार व्लॉग किया हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, स्वागत है सभी का ट्रक डबल ब्लॉग का एक नए से वीडियो में। दोस्तों सुबह सुबह के आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी सुबह दोस्तों 9 बज चुका है और रात भर ड्राइव करके दोस्तों 1:30 बजे से वहाँ से निकले औरंगाबाद से, रात भर ड्राइव करके भाई 4 घंटा बीच में सोए, बहुत भाई नींद लग रही थी, गाड़ी तो हम ही चला रहे थे भाई, पापा तो ऐसे सो गए थे ना, मतलब उनको होश ही नहीं था, तो ये भाई सीन था। तो सुबह उठ के 4 बजे वहाँ से चले, कहाँ पे भाई अपना बजयपुर आके रुके हुए थे जहाँ पे भाई ने वेट किया था। तो भाई वहाँ से 4 घंटा लगा यहाँ पर पहुँचने में, 8:30 बजे यहाँ पर पहुँच गए। और भाई एंट्री यहाँ पे किए ही नहीं, बोल रहे हैं कि ये मतलब 9:30 बजे के बाद एंट्री होगा, तो 9 बज रहा है अभी दोस्तों। तो आ गए पार्किंग में, और पार्किंग में भाई बहुत सारी गाड़ियाँ, आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी रहती है। तो भाई यही सीन है, देखते हैं खाली हो जाती है तो क्या माल लोडिंग करते हैं या खाली जाते हैं मालूम नहीं अभी। इधर से भाई वाइन भी नहीं निकल रहा है दमन सिलवास का कि इधर से लोड करके जाएँगे। तो भाई यही सीन है अभी का, तो देखते हैं वीडियो खास उसको बने रहेगा। तो भाई यही था कि मतलब रुक गए थे भाई डिंडोरी में, जो अपना अपना बाज़ार पड़ता है वहीं पे रुक गए थे भाई, सब्जी वब्जी ले लिए, नाश्ता करने के लिए कुछ खाने के लिए भी ले लिए हैं। और पापा भाई यहाँ पे पहुँच के गए हैं अभी स्नान करने के लिए। तो देखते हैं भाई पूरा दिन क्या रहता है, क्या चक्कर रहता है, खाली होती है गाड़ी या अनलोड होती है। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिएगा। तो भाई यहाँ पर कुछ इस तरह का सीन है, सुबह सुबह का टाइम, और ये रहे अपनी गाड़ी, उधर भी भाई बहुत सारी गाड़ियाँ लगी थी है। और भाई वो पर देखो घाट, और घाट पे भी एक कंपनी है, ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। और कुछ इस तरह का आपको सीन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और भाई कल रात को क्या हुआ था ना कि मतलब तारापति रास्ता त्रिपाल और भाई अनलोडिंग लोडिंग करवाते करवाते भाई मतलब थक गए थे पूरी तरह से।
और भाई मतलब 1:30 बजे रात को छोड़े थे, मतलब 1:30 बजे रात को नहीं, 12 बजे रात को छोड़े, और 1:30 बज गया भाई खाना वाना खाने में। तो एक सीन था भाई, बहुत थकान महसूस हो रही थी और बहुत भाई नींद लग रही थी, गाड़ी चली नहीं रही थी, तो इसीलिए भाई खतरा रहता है भाई ना, इसीलिए भाई सो गए। आगे बैजापुर में 80 किलोमीटर, लगभग 60 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से, सो गए भाई। सुबह उठे, टोलना का पार करके पापा को जगा के दे दिए भाई गाड़ी को, 4:30, 5 बज रहा था भाई, तो पापा 3-4 घंटे चला कर इधर लाए गाड़ी अभी, और भाई मैं सोया हुआ था। तो बस पापा अभी स्नान करने गए हैं भाई, मैं जा रहा हूँ एंट्री करवाने के लिए कंपनी में, वहाँ पे भाई आते वक्त एंट्री किए नहीं, थोड़ी दूर पर है यहाँ से कंपनी, तो अभी जा रहा हूँ भाई मैं पैदल एंट्री करवाने के लिए। उससे पहले भाई मुँह धो लिया हूँ, अभी मुँह धो रहा था आप लोगों ने देखा, अभी जा रहा हूँ भाई नाश्ता करने, जो भाई बिस्किट नमकीन या केला वगैरह कुछ लाया हूँ तो आपको दिखाता हूँ। बिस्किट कुरकुरे, तो भाई बिस्किट कुरकुरे लाया हूँ खाने के लिए, चलो खाते हैं। ये जा रहे हैं अभी एंट्री करवाने कंपनी के अंदर, ये रहा भाई अपना फाइल, और ये रहा भाई पेपर गाड़ी का, मतलब माल का दोस्तों। तो जा रहे हैं भाई खाली करवाने के लिए, एंट्री करवाने, गाड़ी थोड़ी दूर पे है और आने जाने का भाई दिक्कत है, जहाँ पे पहले एंट्री करते थे उस जगह पे भाई बैन है, मतलब दूसरी जगह जाना है एंट्री करवाने के लिए। चलो कोई नहीं, हम तो जा रहे हैं अभी, पापा अपन नहा हुआ के अपने आएंगे दोस्तों, दोस्तों हम तो नहा हुआ के उसके बाद दोस्तों खाना वगैरह बनाएंगे, ऐसे 10-11-12 बजे तो बजने के बाद ही यहाँ पे अनलोडिंग स्टार्ट होता है गाड़ियों का। चलो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। देखो बारिश ख़त्म हो गई, बारिश में यहाँ पे आए हुए थे, मतलब बारिश थोड़ी बहुत हो रह गई है अभी, और इस तरह का कुछ यहाँ पे नज़ारा है, उधर पार्किंग अपना, और भाई अपने को तो जाना है उधर वो साइड पे, चलो चलते हैं। देखो अंगूर की खेती इधर सब सूख गया है, हो गया एंट्री अपना, और भाई मतलब परेशान करके रख दिया यार, मैं बताता हूँ भाई आपको क्या हुआ। अभी तो जा रहे हैं भाई एंट्री करवाने के लिए आया था भाई, यार इतना दूर दौड़ाए बिना मतलब का फालतू का, यहाँ पे सिक्योरिटी खड़ा था गेट, मतलब यहाँ पे एंट्री करते वक्त मोड़ के गाड़ी ले जाके भाई वहाँ से फिर मुड़ा के लेके जाते पार्किंग के अंदर, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भाई इतना दूर परेशान किया झुटमुट का सिक्योरिटी। उस टाइम पे दोस्तों आए थे 8:30 बजे, शिफ्टिंग चेंज हो रहा था भाई, शिफ्ट चेंज हो रहा था, तो भाई गाड़ी वाले से क्या मतलब, वो बोल रहे थे जो एंट्री किए, वो बोल रहे थे कि भाई 8 बजे यहाँ पे एंट्री स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना भाई परेशान करने के लिए, पता नहीं यार। चलो फिर चलते हैं, आपसे कितना काम किए होते, खाना वगैरह सब कुछ बना लिए होते, नहीं तो भाई भूखे रहना पड़ेगा। ऐसे होटल होटल है तो जानते हो भाई, होटल का खाना यहाँ का पानी में दाल, दाल में पानी, मालूम ही नहीं चलता है। खड़ा था वही भाई, बोल दिया कि नहीं जाओ नहीं जाओ, नहीं तो भाई इसी गाड़ी की तरह मुड़ा के लेके जा रहे थे अपनी गाड़ी एंट्री करवाने के लिए। चलो खैर भाई, चलो चलते हैं अपने पार्किंग की तरफ। अरे भाई पार्किंग में और कपड़ा वगैरह लेकर आ गए भाई बाथरूम के अंदर स्नान करने के लिए, तो चलो स्नान करते हैं दोस्तों। यहाँ पे भाई पसीने पसीने पूरे हो गए और 10 बज गया भाई अभी का, और मतलब कि परेशान करते हैं यहाँ पे, यहाँ मतलब उधर ही एंट्री करवा लेते आते वक्त, तो कोई इतना दूर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। आधा घंटा तो भाई लगा, 5 मिनट का काम और आधा घंटा भाई आने जाने में लग गया। चलो फिलहाल दोस्तों स्नान करते हैं, ड्राइवर लाइन है भाई, हर कोई भाई परेशान करता है, एक आदमी तो खुद तो छोड़ो। चलो कोई नहीं, दिक्कत है अभी जा रहे हैं स्नान करने, उसके बाद दोस्तों खाना वगैरह बनाएंगे। तो ये रहा भाई बाथरूम स्नान करने के लिए ड्राइवरों के लिए फैसिलिटी, और भाई मैं अभी जाया था चप्पल में मिट्टी लग गई थी, इसी को भाई साफ कर। तो दोस्तों स्नान वगैरह तो हो गया, चलो दोस्तों खाना बनाते हैं। यही भाई सब्जी ले आते हैं, नेनुआ है और भाई वो अनाज है जो भी है, और भाई ये रवा टमाटर सब मिक्स करके भाई सब्जी बनाएंगे आज। तो भाई चलो खाना बनाते हैं, इसमें दोस्तों चावल बैठा दिए बनने के लिए, बन रहा है दोस्तों चावल, इसके बाद दोस्तों सब्जी बनाएंगे, देखते भाई कब तक खाना बनता है, बहुत बहुत टाइम ज़्यादा हो गया भाई, मालूम नहीं क्या होगा आगे। चलो भाई सब्जी भी बना लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद भाई बताते हैं आपको क्या हुआ है और क्या नहीं और क्या आगे होगा। दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहिएगा। तो भाई वो खाना भी नहीं बना, और
भाई उसी तरह भाई आधा अधूरा छोड़ के यहाँ पे लगा दिए हैं गाड़ी खाली करने का। भाई बहुत भयंकर मतलब मुसीबत आ गई थी। क्या हुआ था भाई इस कंपनी में वैसे दोस्तों निकलते उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा दोस्तों। बहुत बहुत मजबूरी थी भाई, बहुत दिक्कत हो गई थी। मतलब खाना बनाते ही वक्त खाली करने के लिए बोल दिए गाड़ी को, और भाई वैसे ही आधा अधूरा छोड़ के वैसे ही सब कुछ बर्तन पड़ा हुआ है भाई गाड़ी के अंदर। और फिलहाल दोस्तों गाड़ी खाली हो रही है अपनी। खाली होने के बाद दोस्तों बताते हैं क्या हुआ था। यार जो खाना आधा अधूरा छोड़े थे गाड़ी तो खाली हो गई भाई, उस खाने को जल्दी से बना लेते हैं भाई रोटी। और ये रहा भाई जो जैसे तैसे भाई रोटी बना, इसको भाई फेंकना, देखो कैसा रोटी बना है भाई। आटा वैसे ही छोड़ दिए थे, वैसे सब्जी छोड़ दिए थे बनाने के लिए आधे आधे। तो भाई जल्दी से खाना कर लो, तो उसके बाद भाई बताते हैं आपको क्या हुआ है आगे। तो दोस्तों हमारी गाड़ी खाली भी हो गई और भाई खाना भी हो गया। खाना भाई खाने में ही टाइम हो गया भाई, और बनाने को बैठे थे आप लोगों को पता होगा 11 शायद 10 बज रहा था उस टाइम पे, और भाई अभी खाना जाके बना। क्या हुआ है भाई, मुसीबत और मजबूरी ड्राइवर की कोई समझ नहीं पाता है यार। अभी जा रहा हूँ दोस्तों बत्तख देखो खोल के, उसके बाद अनलोडिंग किए हैं बत्तख कस के, उसके बाद आपसे बात करता हूँ दोस्तों। यहाँ से दोस्तों माल नहीं मिल रहा है नासिक से कोई भी माल, मतलब सब माल यहाँ से, वाइन भी चालू थी तो वाइन भी बंद हो चुका है, और दो एक दो माल चालू था तो वो भी बंद हो रहा है, बंद हो चुका है, इसीलिए दोस्तों माल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से दोस्तों अभी खाली निकलने वाले हैं, तो चलो बताए कस को, उसके बाद अपना स्टोरी बताते हैं दोस्तों क्या हुआ था और क्यों इतना देर लग गया भाई खाना बनाने में और खाने में। दोस्तों मतलब दो बत्तख खोले हैं यहाँ पे अनलोडिंग करने के लिए, एक ये मेन बत्तख और भाई एक ऊपर बत्तख रखे हुए हैं, और उस बत्तख को भाई कसना है। ये भाई बत्तख बचा हुआ है, नहीं तो ये भी खोल लेते तो पूरा डाला ढीला हो जाता। चलो कस देते भाई, खाली गाड़ी है इसलिए कस रहे हैं कि मतलब बॉडी इधर का उतर जाए। चलो कसते हैं, उसके बाद एक बेल्ट भी लगाना पड़ेगा इसमें। सो दोस्तों बत्तख वत्तख कस लिया और भाई रस्सा तिरपाल पर बांध लिया हमने कि रास्ते में भाई उड़ेम ना, रस्सा तिरपाल बांध के दोस्तों रस्सा भाई बांध लिया कि रास्ते में भाई उड़े ना और भाई मतलब गिरे ना। और भाई ये अपना बत्तख जो आप देख ही सकते हो जो बत्तख हमने कस दिया है अभी। तो फिलहाल दोस्तों आपको बाइक में से आगे मस्त व्यू दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों शाम का 3 बज चुका है और देखो ये कितना मस्त भी वहाँ पे दिख रहा है। देखो खेती है, ये टमाटर खेती है, ईख खेती है, मिर्चा है उधर, और भाई सब भाई किसान भाई लोग इधर काम कर रहे हैं, और इधर भाई कंपनी है अपनी, और भाई ये देखो गोभी बोया हुआ है इधर, ये भाई अंगूर की खेती, कुछ इस तरह से मस्त व्यू दिख रहा है भाई। और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है यहाँ पे, और भाई उधर देखो वहाँ पे दिख रहा है वो गांव बसा हुआ, नहीं दिख रहा होगा भाई मोबाइल के कैमरे में, चलो कोई नहीं। तो दोस्तों हमें जाना है उधर, उधर से फिर रिटर्न जाना है हम नासिक के साइड मतलब वापी तरफ, तो उधर से दोस्तों पहाड़ों से होते 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 उधर जाएंगे हम। तो अब चलो निकलते हैं यहाँ से और आपको रास्ते का व्यू दिखाते जाऊँगा। तो भाई ब्लॉग साथ बने रहेगा और ब्लॉग को दोस्तों लाइक करते रहिएगा। पता होता तो हमने कसी लिया, देख सकते हो आप ऊपर। और भाई क्या सीन था मैं आपको बताता हूँ, मतलब कि भाई नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, कब भाई जब तक मैं सब्जी बनाने के लिए बैठाया था चावल बन चुका था, सब कुछ भाई नॉर्मल था। और हुआ क्या था मैं बताता हूँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा गलती दोस्तों ना मतलब हम लोग खाना खाने में और इतना मतलब परेशान करने के पीछे भाई उसी भाई जो था ना गार्ड जो हमें बोला कि एंट्री नहीं हो रहा है अभी, उसी का था भाई। मतलब एक से आधे घंटे से भाई 45 मिनट तक भाई उसी में टाइम बीत गया, उधर से आओ वहाँ से जाओ, और भाई 5 मिनट के केवल काम के लिए, जबकि उस टाइम पर एंट्री हो रहा था। तो भाई इधर से जाते वक्त मतलब 10 नहा धो के 11 शायद बज रहा होगा, मैं अपने पहले टाइम भी आपको बताया था भाई, उस टाइम तक तो भाई ठीक था, चावल बैठा था, सब्जी भाई बैठने के लिए बैठाया था, तब तक भाई आ गया बुलावा के जल्दी जाओ भाई, सुनते नहीं भी नहीं है कि बोलो भाई खाना बना रहे हैं या कुछ कर रहे, सुनते नहीं है, बोलते हैं जल्दी जाओ नहीं तुम्हारी गाड़ी खाली नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भाई धमकी देने लगते हैं। और भाई हम लोग को भी खाली करना रहता है कि भाई गाड़ी खाली कर जाएगी तो मतलब ज़्यादा दिन नहीं कटेगा इसमें, तो इसीलिए भाई मतलब हम लोग बेचैन हो गए। अब वो भाई उबाल मार रहा था, जैसे पानी उबालता है ना वैसे उबाल मार रहा था, उबाल मार जल्दी जाओ, सब कुछ आ गए थे सब, मतलब कि 2-3 आदमी और आ गए थे कि जल्दी जाओ क्यों नहीं जा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, भाई भाई प्रेशर मतलब एकदम हाई हो जाता है भाई 100% मतलब दिमाग में कुछ भी नहीं चलता है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कहाँ भाग जाऊँ, ऐसे भाई करते हैं यहाँ पे लोग ना भाई। यार ड्राइवर है, इंसान वो है, वो भी जानवर थोड़ी नहीं है, मशीन थोड़ी नहीं है कि सब कुछ एक साथ कर ले,
समझते नहीं है यार। और कंपनी के अंदर तो भाई बनाने का अलाउड भी नहीं है, मतलब फाइन इतना मारेंगे ना और गाड़ी भी जब्त कर लेंगे, ऐसा भाई रूल है यहाँ का। गाड़ी जब्त तो नहीं करेंगे लेकिन भाई सख्त नियम है भाई आग नहीं जलाने का अंदर। तो भाई वहाँ से निकल कर सोचे कि चलो पार्किंग में से निकल जाएंगे तो कोई नहीं बोलेगा आके, मतलब दूसरी जगह, मतलब कि दूसरी जगह आके, मतलब पार्किंग से निकल कर कंपनी के बीच में जो रास्ता है उसी में आके खाना बनाएंगे। लेकिन वहीं पे भाई जैसे ही मैंने जैसे तैसे भाई सब्जी आधा अधूरा छोड़ दिया, मतलब कि चलो रोटी पका लेते हैं कि आटा ख़राब नहीं हो, लेकिन भाई वो क्या हुआ ना, मतलब कि और भाई इधर से कंपनी में से निकल के जा रहे थे बुलाने के लिए, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी, अरे यार बहुत मतलब सर दुखने लगा था यार उन लोगों की बात सुनकर। तो क्या किए भाई, खाना वगैरह सही छोड़ दिए, एक रोटी बैठा दे भाई बनाने के लिए, वो भी रोटी भाई बेकार हो गया, फेंकना पड़ा हमें बाद में। और भाई ऐसे ही छोड़ के, सब कुछ छोड़ के भाई, मतलब हाथ भी नहीं धोए थे भाई आटा सानने के बाद, तो वो भाई सीन था। जाके अंदर, वो अंदर जाने के बाद और चिल्ला चिल्लाट कर रहे हैं भाई, एक तो बटन नहीं खुला था, वो उसका नट जाम हो गया था, वो और चिल्ला चिल्लाट कर रहे थे भाई, मतलब ये करो वो करो फलान यार मत। वो लेबर लोग भी भाई वही हैं और वो मतलब कंपनी वाले भी वही हैं, क्या करें इसका कुछ समझते नहीं है यार। ड्राइवर लोग भी मतलब इंसान ही है, समझना चाहिए उन लोगों को। बात तो और भी है, यहाँ पे चाय पानी का भाई 200 रुपये हर ट्रक वाले से, हर गाड़ी वाले से लगता है। किस नाम से भाई? डाला के नाम से, चाय पानी के नाम से। और भाई एक ड्राइवर थे उस्ताद, उनसे पूछा कि भाई कि मतलब डाला और चाय पानी तो भाई 10-20 रुपये में हो ही जाएगा, 10-20 रुपये दे देते हैं, तो वो भाई उन लोगों का पर्स लेके लड़ने लगा। यही भाई सीन होता है कि मतलब हर ड्राइवर लोग ना मतलब ड्राइवर का साथ नहीं देता है, उसका मतलब दूसरे लोगों का साथ देने लगता है, इसके लिए भाई दबना पड़ता है। नहीं तो भाई यहाँ के लोकल आदमी मिल जाए ना तो हम लोगों को तो भाई मतलब हमाली कहीं भी नहीं लगेगा, लेकिन भाई वो भी मिले रहते हैं, वो बोल रहे हैं कि हमाली थोड़ी नहीं लग रहा है आपको, केवल चाय पानी लग रहा है। तो चाय पानी दे देते भाई 50 रुपये, हम भी दे देते, लेकिन 200 रुपये 250 रुपये किस नाम से ले रहे हो भाई? तो वो भी मतलब ड्राइवर दे ही रहे हैं तो हम लोग को भी भाई देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई कि कोई एक ना देना तो उसके देखा देखे हम लोग भी नहीं देते, लेकिन भाई ये सीन नहीं है, सब कोई भाई मतलब इसमें इंक्लूड है, क्या करें इसका, तो देना ही पड़ेगा भाई। आप लोग बोलते हो कि हमाली नत दिया करो, हमाली क्यों देते हो, यही भाई सीन रहता है, इसीलिए भाई देना पड़ता है हमें। चलो कोई नहीं, खाली हो गई गाड़ी और भाई बताओ तक सबका असली कंप्लीट, और भाई यहाँ से अब निकलते हैं। तो दोस्तों जहाँ से मैंने वीडियो ख़त्म किया ना, कंपनी के पास से भाई शाम को आपको मतलब उस टाइम पे तीन बज रहा था ना, हाँ 3 बज रहा था दोस्तों। तो उस टाइम पे दोस्तों ना मतलब बोला है कि जैसे ही मतलब पापा भी उस समय आराम कर रहे थे, खाना पीना हो गया था, और भाई तो पापा को मैंने बोला कि चले, तो बोल रहे थे चलेंगे कुछ देर रुक जाओ। तो भाई उसके बाद हमें भी नींद लग रही भाई, बहुत भयंकर नींद लग रही थी, 2 रात से तो भाई सोए नहीं थे इसीलिए भाई शायद। तो यही सीन था भाई, वहाँ पे सो गए थे पूरा, और पूरा सो जाने के बाद दोस्तों अभी 8 बज चुका है रात का, और रात का 8 बज चुका है दोस्तों। कुछ मतलब थोड़ा सा ही दूर पर आने पर यहाँ पेट्रोल पंप पड़ता है, ये जो भारत का पेट्रोल पंप है दोस्तों, यहीं पे आ गए थे, डीजल डलवाए 4000 रुपये का भाई, अभी भी डिंडोरी में ही हम लोग खड़े हैं, और भाई रात का 8 बज चुका है। तो यही सीन है भाई, अब कल ही मतलब वापी में पहुँचेंगे भाई, खाली गाड़ी लेकर जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ से बहुत सारे ट्रांसपोर्टर भाई से बात किया हमने, लेकिन माल यहाँ पे बिल्कुल नहीं, नासिक से वापी की तरफ जाने वाली कोई भी माल नहीं मिल रहा है हमें। तो दोस्तों यहाँ से हम फिलहाल अभी निकल रहे हैं मतलब खाली गाड़ी को ही लेकर, तो कल के ब्लॉग में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा जो भी होगा दोस्तों, कल लोडिंग होती है कि नहीं रात भर। तो यहाँ से जाएंगे अभी भी दोस्तों 150 किलोमीटर का सफ़र बाकी है, तो वही 4000 का डीजल डलवाए हैं ऐसे ही मतलब खाली गाड़ी ले जाने के लिए। तो दोस्तों कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा जो भी होगा आगे। तो इस ब्लॉग को कर दीजिएगा दोस्तों लाइक, और चैनल पर हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कल के ब्लॉग में दोस्तों मिलते हैं, 20 ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद।